जय दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। आज हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं, नासिक त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आप लखनऊ से त्र्यंबकेश्वर कैसे दर्शन करने आएँ और कौन सी ट्रेन पकड़ें, कौन सी ट्रेन ना पकड़ें और कहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कैसे आप दर्शन होंगे, ये सब आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो सर, लखनऊ से पहले पलना का ट्रेन, टोटल आपको 5 ट्रेन अवेलेबल हैं लखनऊ टू नासिक। मैं गया था पुष्पक से, पुष्पक LTT सीतापुर, ये बेस्ट ट्रेन है जो कि आपको शाम को 5 बजे पहुंचाती है नासिक। इसके अलावा बाई एयर भी आप जा सकते हैं आपके सुविधानुसार, आपकी बजट अनुसार। महादेव लोग नासिक इधर गई। दोस्तों, वाई ट्रेन आपको 18-19 घंटे लगते हैं लखनऊ टू नासिक पहुँचने में। स्टेशन के बाहर ही आपको बस, ऑटो सब मिल जाती हैं। पहुंच चुका अभी नासिक और अभी हम लोग जाएंगे अपने एक रिलेटिव्स के घर, कल सुबह में बाबा दर्शन करेंगे। ये रहा आपका नासिक रेलवे स्टेशन और यहाँ नियर बाई आपको ऑटो मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, ऑटो मिलते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट जा सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो, बस खड़ी तो सामने और यहाँ पीछा देते बस स्टेशन पे पीछे, आप यहाँ से बस से भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की डायरेक्ट बस मिलती है, आप वहाँ से बस करो, बस आपसे 100 रुपये लेगा, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, आपके 1 से 1.5 घंटे पहुंचा देगा। बहुत अच्छा सफ़र रहेगा, बस सब बहुत ही सस्ता सफ़र है और आप बढ़िया वादियों को मज़ा लीजिए और डायरेक्ट मंदिर पहुंचिए। और आप जा जाते हैं कार से या फिर रिक्शे से तो आपसे 500 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे, इसलिए बस जाइए, सस्ता और कन्वीनियंट, आपसे आराम से मंदिर पहुँच जाएंगे। उतर चुके हैं त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों, बस स्टैंड से मात्र 10 मिनट की दूरी पर आपको मिलेगा कुंड, जो कि गोदावरी कुंड, यहाँ पर सभी लोग नहाते हैं। ये स्वयंभू है, यहाँ पर जल अपने आप निकलता रहता है नीचे से, आप नहाइए पवित्र, उसके बाद बाबा के दर्शन करने जाइए। हर हर महादेव। दोस्तों, ये रहा हमारा कुंड, यहाँ पर आप सभी नहा सकते हैं, मात्र इससे पीछे आपको दर्शन को पहले आप नहाते हैं, इसे बोलते हैं कुंड। यहाँ स्वयं गोदावरी नदी पानी आता है, नहाइए पवित्र होइए, दर्शन करिए, उसके बाद बाबा दर्शन करिए। हर हर महादेव। यहाँ का ड्रेस कोड व्हाइट साड़ी, देखा लोग यहाँ व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट ड्रेस कोड है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो व्हाइट कपड़े लेके आए तो अच्छा लगता है देखने में, यहाँ का ट्रेडिशनल वाइज लगता है, अच्छा लग रहा है अभी तक इसमें अच्छा दिख रहा है। दोस्तों, बात करें होटल की, अगर आप होटल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 800 से 1000 रुपये में अच्छे रूम मिल सकते हैं एक दिन के लिए। हर हर महादेव। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अब हम आके बाबा दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए बाबा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए, अभी हम दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको अंदर दिखाते हैं अंदर कैसा सीन है। दर्शन हो चुके, मम्मी दर्शन कैसे हुए, इतना सिंपल हमारा तो जो बाबा ने जल्दी बुलाया तुरंत दर्शन कराए, टाइम नहीं लगा हमको। ये हमारा पीछे रहा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, आपको भी दर्शन कराते हैं, चलिए स्टार्ट। दोस्तों, ये रहे त्र्यंबकेश्वर महादेव, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप पाए जाते हैं और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको मंदिर के मुख्य गेट से जो एंट्री होती है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं मुख्य द्वार से। और ये हम मंदिर का के फ्रंट व्यू, यहाँ पे एक त्रिशूल लगा हुआ बहुत प्यारा सा, और ये साइड व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सभी भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के बाद, यहाँ पहले वहाँ से मेन गेट से आते हैं, फिर यहाँ से एग्जिट होता है, देख रहा हम सारे मंदिर जा रहे हैं, यहाँ एग्जिट हो रहा है। और बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर, अति सुंदर, ये पूरा मंदिर पूरा काले पत्थर बनाया गया है, काले पत्थर बनाया गया इसलिए काला दिखता है, इसकी कलाकृतियाँ बहुत अच्छा, इसमें सभी हमारे देश की भी पौराणिक चीज़ें सभी इसमें आकृत की गई हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में जो ज्योतिर्लिंग से जल निकलता है, वह जल यहाँ पर निकलता है, जो क्योंकि ब्रह्मा विष्णु स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पर अंदर से जल आता है बाबा वाला, आप यहाँ भी सुन सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो शंभू ज्योतिर्लिंग मतलब पानी जल जो है अपने आप जमीन से निकलता रहता है, और वही पानी भोले बाबा विष्णु महेश पे चढ़ता है, वो बाहर आता है, देख रहे हैं आप लोग सब उसको जल पीते, और मैंने भी इसको पिया, बहुत ही मीठा जल था। दोस्तों, मंदिर के बाहर भी एक शिवलिंग बनाया गया है और त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर सेम टू सेम शिवलिंग बनाया गया है, लोग तो बाहरी पूजा करते हैं, और यहाँ जब देख रहे हैं सेम टू सेम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को रूप दे रखा है, तो यहाँ भी चढ़ाते हैं, आरती पूजा पकड़ते हैं, ताकि अगर बाहर नहीं तो आप यहाँ भी बाहर भी कर सकते हैं, जो भी आप अंदर ही करें और यहाँ दर्शन करके आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये कॉमन जो नॉर्मल दर्शन होता है उस लाइन के दर्शन है, और यहीं से आप एंट्री करते हैं मंदिर में, और मंदिर तो बाकी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। Thank you.
जग करिता ओम हर 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 महादेव। जय जय शिव हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राम। जो सुकून बाबा के दरबार में वो सुकून कहीं नहीं मिलता है, ये बात सही है बिल्कुल भी। इतना सुकून मिला है यहाँ के, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब दर्शन तो जल्दी हो गए, थोड़ा मन कर रहा दोबारा फिर दर्शन करने मन कर रहा है बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ वादे ही वादे हैं, पहाड़ हैं और बाबा उसी पहाड़ में रहे हैं। और ये बताना चाहूँगा, ये जो काला काला है ये काई कुछ नहीं, काला पत्थर है, इस बोल समझते गंदा, मतलब गंदा नहीं काला पत्थर, इसलिए ऐसा दिखता काला काला। और इसको मुगलों ने तोड़ा था उसको भी, पर उसके बाद में महाराजा ने उसको बनाया बहुत ही सुंदर। दर्शक मैंने हमने किया नाश्ता, जो कि यहाँ फेमस है, पोहा खाया और वापस गए नासिक, जहाँ की गोदावरी नदी, यहाँ पर आपको दर्शन करेंगे और अन्य मंदिर भी आपको दिखाएंगे, जैसे कपिलेश्वर महादेव, सीता गुफा, काला राम, गोरा राम, ये सब दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। कभी हम आए नासिक गोदावरी घाट, आप वहाँ दिखाएंगे कपिलेश्वर घाट, इसके अलावा सीताकुंड सब दिखाएंगे। हर महादेव दोस्तों, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं घाट, बहुत ही सुंदर घाट, गोदावरी नदी बोलते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पर पिंडदान वगैरह भी होता है, किसी को पिंडदान करना होता है। इसके अलावा यहाँ कपिलेश्वर महादेव भी है, ये भी आपको वहाँ पर दिखाएंगे, तो वो वहाँ पर रुकते हैं, आराम ठंडी मिल जाएगी। तो बात करें गोदावरी नदी की, तो स्वयं शिव जी ने अपने जटा पटकी थी तब ये गोदावरी नदी प्रकट हुई थी। यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी की अस्थि विसर्जन किया था और पिंडदान किया था, और यहाँ लोग मुक्ता पिंडदान वगैरह करते हैं, और यहाँ जो करते हैं उसको स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए हमारे महादेव यहाँ बैठे हुए हैं, स्वयं जा रहे हैं माँ सीता गुफा, गुफा में वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, सीता गुफा, फिर काला राम। तभी हम आ चुके हैं सीता गुफा इंटीग्रेटर से बोर आज उधर कौन बंद आला है, चारों तरफ भीड़ भीड़, अब इसके अंदर और भीड़ लगेगी तब उनको इंटरव्यू मिलेगी। जय श्री राम। सीता को हम दोस्तों कैमरा अलाउ नहीं है। कुल मिलाकर हमारा यहाँ टूर ख़त्म हो गया। अगर बात करें खर्चे की, तो आपका 3,000 रुपये लगेगा इस टोटल टूर में, और 2 से 3 दिन में आप पूरा सफ़र ख़त्म कर लेते। तो फाइनली दोस्तों हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, त्रिमुखेश ज्योतिर्लिंग का, हमने सब दर्शन किए, सीता गुफा गए, ज्योतिर्लिंग और घूमे, गोदावरी नदी गए। तो कुल मिलाकर अच्छा सफर था, अच्छा सस्ता सब कुछ था इस वीडियो में बताया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करो, वीडियो को शेयर करना, एंड हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।